Next question. Question says a particle is moving in a vertical circle. The tension. Alright, ये होना चाहिए particle is moving in a vertical circle. Full stop. The tension in the string when passing through two positions at angle 30 and 60 from vertical, comma from lowest position are T1 and T2 respectively, comma then. हमें बताना है T1 ये क्या T2 के बराबर है, क्या T1 T2 से ज़्यादा है और T1 की वैल्यू T2 से कम है या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू T2. नाउ इसको ऐसे कंसिडर करते हैं कि ये आपका मान लीजिए वर्टिकल सर्कल मोशन ऐसे हो रहा है और आपका पार्टिकल यहाँ से u वेलोसिटी से चालू किया है एट एनी एंगल थीटा, किसी भी एंगल थीटा पे ड्यूरिंग इट्स मोशन पार्टिकल आपका लेट्स से ऐसे ही यूँ जा रहा है, गोल घूम के वापस आएगा. सो इस जगह पे टेंशन को हम लिखते हैं, टेंशन विल बी इक्वल टू mg cos थीटा प्लस m v स्क्वायर बाय r, और v आपकी वहाँ की लोकलाइज वैल्यू है वेलोसिटी की. सो यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी जो आपने प्रोवाइड की सो दैट कंप्लीट सर्कल वो हो सके वो, या उससे ज़्यादा भी वैल्यू हो सकती है. तो यहाँ पे v की वैल्यू आप u लिखेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो लिख, तो हर पोजीशन पे हम ऐसी वैल्यू लिखेंगे. नाउ हमारा सवाल ये है कि 30 और 60 की पोजीशन पे जब वर्टिकल से इस पॉइंट से आपका पार्टिकल है तो हम बात कर रहे हैं एक लोकेशन आपकी ये हो गई 30 डिग्री की, दूसरी वैल्यू हो गई यहाँ से आपकी ये 60 डिग्री की. तो 30 और 60 डिग्री यहाँ पे टेंशन आपकी T1 है, यहाँ पे टेंशन आपकी T2 है. नाउ इस केस में अगर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे T1 विल बी इक्वल टू mg cos 30 प्लस m u1 स्क्वायर बाय r, और T2 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी mg cos 60 प्लस m u2 स्क्वायर बाय r. U1 और U2 यहाँ की रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ है. नाउ cos 30 है, इसकी वैल्यू हमें पता है कि cos 30 की वैल्यू जो होती है ये अपनी √3/2 होती है, cos 60 है इसकी वैल्यू 1/2 होती है. तो ये फैक्टर भी अपना कम हो गया, और U1 और U2 हाईएस्ट वेलोसिटी पार्टिकल की यहाँ होती है. जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो U1 और U2 में भी आपका U1 विल बी ग्रेटर देन इस लोकेशन पे दिस विल बी ग्रेटर देन U2. हेंस हम ये कह सकते हैं कि T1 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन T2. आपकी T1 की वैल्यू इस लोकेशन पे जो टेंशन है वो हमेशा इससे ज़्यादा होगी. हेंस ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर. आई होप ये सोल्यूशन समझ में आया आपको. अगर हमें यहाँ कुछ वैल्यूज़ दी होती तो हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते थे, राइट, बट इस सवाल में हमें सिर्फ कंपेरिजन बताना था. सो ऑप्शन 2 वुड बी द राइट आंसर.